महासमुंद पुलिस ने बस में गांजा और गुटखा तस्करी करने वालों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 16 किलो गांजा और 4 बोरी जर्दा गुटखा बरामद किया है, जिसकी कीमत 1,00,000 रुपए आंकी गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि नरसिंहनाथ से रायपुर चलने वाली बस में गांजे की तस्करी की जा रही है, और जिस पर पुलिस ने नाकेबंदी कर बस को रोका और बस की तलाशी ली, तो बस में जो डिक्की है उसमें पुलिस ने 16 किलो गांजा और 4 बोरी जर्दा बरामद किया है। सुबह मुखबिर से सूचना मिला था कि बड़ा पंडा बस में जो नरसिंहनाथ से रायपुर की ओर चलती है, उससे बड़ी मात्रा में गांजा और गुटखा परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस बल ने जाके मौके पर चेक किया, और चेक करने पे गाड़ी की डिक्की में रखा हुआ 16 पैकेट में गांजा और 4 बोरियों में पानराज गुटखा मिला है, जिस पर नार्कोटिक एक्ट और कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।